वो लाख मकार सही लेकिन खुद आशना भी है। आम खबर यह है कि भारत पाकिस्तान से जंग की गलती कभी नहीं करेगा। बरतानी नशाती इदारे की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी ही शोला बयानी में फंस चुका है। पाकिस्तान का दिफाई निजाम बेहतरीन है तो भारत पाकिस्तान से जंग की गलती कभी नहीं कर सकता। आपको बताएं कि बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी ही शोला बयानी में फंस चुका है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ी सेक्टर पे होने वाले हमले पर अपनी ही शोला बयानी में भारत फंस चुका है। पाकिस्तान का दिफाई निजाम बेहतरीन है। भारत पाकिस्तान से जंग की गलती कभी नहीं करेगा क्योंकि इस जंग से नुकसान महज भारत का ही होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत उड़ी कैंप पर हमले के बाद अपनी ही शोला बयानी में फंस गया है और भारत ये जंग नहीं कर सकता। पाकिस्तान का दिफाई निजाम बेहतरीन है। इस जंग का नुकसान सिर्फ भारत को ही होगा। कैंप पर हमले के बाद एक बार फिर से भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की जाती रही जिसके बाद अब बरतानवी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। भारत ओड़े कैंप पर हमले के बाद अपनी ही शोला बयानी में फंस चुका है। ये कहा गया है बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में। पाकिस्तान का दिफाई निजाम बेहतरीन है ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में। ना सिर्फ ये बल्कि भारत के अपने ही धड़ों से भी अब ऐसी आवाजें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, इस जंग का नुकसान भारत को ही होगा। याद रहे कि मोदी सरकार और मोदी जहनियत जो कि हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती रही है और पाकिस्तान दुश्मन अनासर को फरोग देती रही है, पाकिस्तान ने अब हर फोरम पे मोदी सरकार मोदी जहनियत को बेनकाब करने की ठान ली है और आज भी उसका भरपूर अंदाज में मुजाहरा किया जाएगा वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ की जानिब से। लेकिन भारतीय नशरियाती इदारे की जानिब से रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत अपनी ही जानिब से दिए गए शोला बयानी में फंस चुका है। भारत उड़ी कैंप पर हमले के बाद जो अपने बयान दिए गए उस शोला बयानी में बुरी तरीके से फंस चुका है। यह जंग जिसकी तैयारी की जा रही है भारत की जानिब से, भारत यह जंग नहीं लड़ सकता क्योंकि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और इस जंग का नुकसान भारत को खुद होगा। पठानकोट हमला हो, उड़ी कैंप पर हमला हो या फिर भारत में किसी को सुई भी क्यों ना चुभ जाए, भारत तमाम तर इल्जाम पाकिस्तान पर धड़ देता है। भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। इसी पर बात करते हैं सीनियर तज़ियाकार अयाज अमीर साहब हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। अयाज अमीर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर क्या कहेंगे, बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, उन्होंने भी ये कह दिया है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, भारत अपनी ही शोला बयानी में खुद फंस चुका है। नहीं, शोला बयानी हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को बीबीसी से कोई सर्टिफिकेट अपने दिफाई तैयारी का नहीं चाहिए। अब एक हमारे मजबूत फौज है, मजबूत डिफेंसेस हैं, न्यूक्लियर एक पावर है पाकिस्तान, टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स जिन्हें आप बैटलफील्ड मिसाइल्स कह सकते हैं वो हमारे पास हैं। तो ऐसे ही चढ़ दौड़ते दौड़ना जो है पाकिस्तान पे वो कोई आसान नहीं है। 71 में जो हिंदुस्तान ने किया था वो बिल्कुल सिचुएशन और थी, जग्राफिया और था, पॉलिटिकल क्राइसिस और थी, उसका भारत ने एडवांटेज लेके और हमारी कमजोरी थी और हमने कमजोरियां खुद पैदा की थी जिसको एक्सप्लॉइट करके भारत ने हमला किया था। पर यहाँ पे वेस्टर्न बॉर्डर पे एक वैसे ही वो चढ़ दौड़े हिंदुस्तान भी नामुमकिन है, लेकिन हमें जो है जो हर जो खतरा है उसका विजिलेंट रहना चाहिए, नजर रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं की कोई लिमिटेड या ज्यादा कोई इश्तियाल कार्रवाई जो है वो ना। अयाज अमीर साहब आप सीनियर पत्रकार हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।